अरसानी, मैं हूँ, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ दीवानी कचहरी देवरिया में। और चूंकि आज मुझको इंगेज किया गया है अधिवक्ता प्रेमचंद यादव के परिवार द्वारा, हमारी तरफ से जो FIR दर्ज करवाया गया है, तथाकथित FIR, क्योंकि उसकी कॉपी अभी तक हमको उपलब्ध नहीं करवाई गई है, और जिस FIR को दर्ज करवाया गया है प्रेमचंद यादव के परिवार की तरफ से, सच्चाई है कि जिसको कंप्लेनेंट उसमें बनाया गया, कंप्लेंट जिसने अनिरुद्ध यादव को बनाया गया, उसको भी नहीं जानकारी कि उसकी तरफ से कोई FIR दर्ज हो गया। सत्यता यही है, आज तक इस मुकदमे में के IO जो हैं वो आज तक कोई भी जांच पड़ताल, बयान, मौका मुआयना कुछ भी करने नहीं गए। ठीक है, तो आज जो है प्रेमचंद यादव की जो पत्नी है उनके द्वारा एक एफिडेविट SP साहब को इस मार्फत दिया गया है कि जो कंसर्न IO हैं, हमारी तरफ से जो मुकदमे दाखिल किए गए, FIR दर्ज करवाया गया था, पुलिस के दबाव में या प्रशासन के दबाव में या सत्ता के दबाव में साइन करवा करके उसी मुकदमे में कम से कम सही तरीके से हमारे पक्ष का बयान ले लिया जाए, मौका मुआयना करवा लिया जाए। और उसमें दो एक्यूज्ड ऐसे हैं जिनका नाम नहीं है और वो मौके पर मौजूद थे और प्रेमचंद यादव की हत्या में शामिल रहे हैं, उन दोनों को गिरफ्तारी शीघ्र अतिशीघ्र। कौन कौन है वो आप एफिडेविट की कॉपी आपको अवेलेबल हो जाएगी, उसमें नाम मेंशन है, हम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं वो नाम। अच्छा, कारण ये है कि अभी मैं आप लोग के सामने नाम ले लूँगा तो वो भाग जाएंगे, सत्ता का दबाव इस तरीके से है कि कोई ना कोई CDR निकाल लिया जाएगा उनको बचाने के लिए। अच्छा, तो 21 हम इस समय सिस्टम से भी लड़ रहे हैं और सत्ता से भी लड़ रहे हैं, न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हत्या हुई है, दोनों तरफ हत्या हुई है, लेकिन जो पहली हत्या हुई है उस हत्या के विषय में जांच होना अनिवार्य है, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑफेंस है, एक हत्या के बाद और हत्याएं हुई हैं, तो जांच दोनों हत्याओं का बराबर होना चाहिए। एक पक्ष को बचा करके एक पक्ष को संलिप्त कर लेना ये गलत बात है। कई कई नेताओं का, कई कई लोगों का जी, किस विधि विधान से पूजा पाठ हुई है, कौन लोग, गायत्री परिवार से हुई है, गायत्री परिवार से करवाएंगे हम लोग, गायत्री परिवार से पूजा पाठ हुई है, उनके परिवार के लोगों ने करवाया और पहले से भी कराते रहे।